बेढंगी दुनिया और भूल रे भुलैया में भुलानी जा बेढंगी दुनिया। बाबा ध्यान देना भैया, अरे जा बेढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी जा रंगीली दुनिया। मेरी माताओं बहनों पिता लोगों बुजुर्गों ये सुन लेना, हमारे हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में लाखों करोड़ों देवी देवता डेली लॉन्च हो रहे हैं डेली। अब तो इतना अंधविश्वास बढ़ गया है कि सड़कें पूजी जा रही, खड़ंजा पूजे जा रहे हैं, देवी देवता मंदिर भूखे प्यासे मर रहे हैं। इतने लोग पागल हुए जा रहे हैं, जो वस्तुतः मूल्यता सच्चाई है उससे वो कोसों दूर जा रहे हैं। हम लोग कैसे मंदिर में माताएं पूजा करने जाती हैं, प्रसाद चढ़ाने जाती हैं। देखिए अगर आपके प्रसाद में निर्मलता होगी, आपके अंदर भाव होगा, प्रसाद चरणों में रख दीजिए, भगवान खुद ही खा लेंगे। लेकिन नए ऐसे माताएं पकड़िए बतासा और ऐसे मूर्ति के मुंह में घुसोरे खाओ खाओ, कैसे नहीं खाओ, कुसमराते मंगाइए 400 रुपया किलो है, खाओ कैसे नहीं, जबरदस्ती मूर्ति में घुसाएंगी। नवरात्रि का दौर आता है, नया नया मंदिर बनवाओ, स्थापना करवाओ, मूर्ति रखवाओ, ज्यादा नहीं केवल 15 दिन के लिए इनको छूट दे दो। ये देवी मैया को मुंह मुंह ना पूरा ताल बनाए दिए 15 दिन में ही, हाँ मूर्ति की फजीहत कर डालेंगे। और सुनिए भैया, अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा ले के धावे, अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा ले के धावे, और अरे जीते जी कौरा ना देवे मरे पे ते रही करावे जावे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी। याद रखना मेरे भैया, एक कवि हुए हैं जिनका नाम था आदरणीय पंकज मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि अगर शिक्षा के साथ में और शिक्षित आदमी जब धर्म का पालन करेगा तो दुनिया में समाज में कोई इस पर उंगली नहीं उठा पाएगा, और जब सारा अशिक्षित समाज धर्म की ओर बढ़ेगा तो लोग उसे अंधविश्वास का नाम दे देंगे। क्योंकि जब कोई सफल नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, तो सीधी सी बात लोग कहेंगे जब तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्यों मरे जा रहे हो। ध्यान रखना भैया, इसलिए शिक्षित होने के बाद में जब धर्म का पालन करोगे उसका आनंद अलग ही होता है। और दूसरी बात, अरे माटी का एक नाग बना के सब कोई दूध पिलावे, अरे माटी का एक नाग बना के सब कोई दूध पिलावे। देखा होगा साल में एक त्योहार आता है नाग पंचमी का, माताएं क्या करती हैं दीवार पे लकीर ऐसी बनाए दिए नाग देवता हैं जे, अब खूब पूजा करेंगी, हे नाग देवता पड़ोसी को सत्यानाश हो जाए, हे नाग देवता मेरी पति की ओर जो देखे बावर तक की आंखें फूटी जाए, वह खड़ंजा बिक जाए वह नाग फूटी जाए। अरे माटी का एक नाग बना के सब कोई दूध पिलावे, लेकिन अरे जिंदा नाग जो घर में आवे, जिंदा नाग जो घर में आवे ले लाठी धमकावे। अब पूजा चल रही है, नाग देवता का पूजन हो रहा है, धोखे में असली वालों निकल पड़े, असली वाला सांप तो लेके लाठी को मारन दौड़ पड़े, हो गई पूजा। जा बेढंगी दुनिया भूल रे भुलैया हमें भुलानी।
याद रखना भैया, हमारे धर्म में लाखों देवी देवताओं की स्थापना आए दिन हो रही है। शीतला माँ का नाम सबने सुना होगा, तमाम ऐसे देवी देवता हैं जिनका हमारे शास्त्रों में कोई नाम ही नहीं है, अब जबरदस्ती उनके ऊपर कोई संकल्पना करके लिख दिया गया, कोई टीका टिप्पणी बना दी गई, तो उसे सत्य थोड़ी माना जाएगा। ऐसे हजारों कवि हुए जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है कि ऐसे लाखों देवता आज के समय हैं जिनका हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है और फिर भी उनकी पूजा हो रही है। सनातन धर्म में तीन ही शक्तियां मुख्य हैं, तीन ही देवता मुख्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी पूजा नहीं हो रही, बेचारे जो चौराहे पे ठेला लगा है समोसा बेच रहे, बताओ इनका कोई सम्मान ही नहीं है वास्तव में। आपको हम बता दें, हमारे शास्त्रों में ये शोभा यात्रा निकालना मूर्ति की, पद यात्रा निकालना, ऐसा कहीं भी संविधान नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने इंद्र का विरोध किया, बोले पूजन उसका नहीं होगा। तो नंद बाबा बोले अच्छा कोई बात नहीं, उसका नहीं होगा, अच्छा तुम ही बताओ किसका पूजन होगा। तो कन्हैया का बोले कि सच्चा मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है, और अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। अब यहां पर पहला शब्द क्या लगाया भगवान ने, अध्यात्म भाव से। कन्हैया बोले अगर देखा जाए अध्यात्म भाव से तो पूजन करने का जो अधिकारी है वो गोवर्धन है, इंद्र नहीं है। अच्छा ये बात कन्हैया ने क्यों कही, गोवर्धन तो एक साधारण सा पर्वत ही तो था, एक पत्थर ही था, कन्हैया इतना क्यों पीछे पड़ गए उसके कि हाँ इसकी पूजा करो इसकी पूजा करो। आइए इसका कारण जुड़ा है त्रेता युग से, मैं बताता हूं। उसके पहले ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं गोवर्धन का रहस्य, बोलेंगे सभी लोग मिलकर।